गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप IAS डेली करेंट अफेयर MCQ डिस्कशन में आपका स्वागत है। UPSC हर साल 30 से 35 क्वेश्चन करेंट अफेयर के रूप में पूछती है, जो 25 अलग अलग आयामों से होते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण स्रोत जैसे द हिंदू, मिंट, PIB, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, राज्यसभा TV इत्यादि से पूछे जाते हैं। इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण स्रोतों से आपके लिए हम करेंट अफेयर के टॉपिक लेकर आते हैं, MCQ के रूप में उसे डिस्कशन करते हैं। ये जुलाई महीने का हमारा 12वां डिस्कशन वीडियो है। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एफोर्डेबल रिटेल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में गलत कथन है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था। यहां पर आपको चार कथन दिए गए हैं, उनमें से गलत कथन की पहचान करनी है किसके बारे में, एफोर्डेबल रिटेल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स यानी कि AR HC के बारे में। आप जानते हैं अभी हाल फिलहाल में इसे लॉन्च किया गया, यदि आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो निश्चित रूप से अभी आप समझ जाएंगे और फिर यदि इससे संबंधित प्रश्न आपको पूछा जाता है तो आप उसे करने में सक्षम होंगे। हम एक एक कथन को देखते हैं क्या कहता है। पहला कथन कहता है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने AR HCS की शुरुआत की है। फ्रेंड्स, ये कथन बिल्कुल सही है। भारत सरकार के अंतर्गत आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा शहरों में सभी लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कार्यक्रम की घोषणा 2015 में की गई थी। उसी के आगे बढ़ते हुए हाल फिलहाल में भारत सरकार के अंतर्गत मंत्रिमंडलीय समूह ने जो प्रवासी मजदूर होते हैं या फिर जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर नहीं मिल पाया है, उन लोगों को एफोर्डेबल रिटेल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स कार्यक्रम के अंतर्गत कम से कम 25 सालों के लिए आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस कार्यक्रम की घोषणा की गई है। दिया गया पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या कहता है, AR HCS प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत एक उप योजना है। मैंने अभी इसी को एक्सप्लेन किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो 2015 में शुरू किया गया था उसका एक उप योजना के रूप में इसे घोषित किया गया है। दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन क्या कहता है, AR HCS के लिए लाभार्थी EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या फिर LIG लो इनकम ग्रुप श्रेणी से शहरी प्रवासी या तो गरीब हैं। यह बिल्कुल सही है। जो लोग प्रवासी मजदूर के रूप में किसी दूसरे स्थान से शहरों में काम की तलाश में आते हैं, उन लोगों को एफोर्डेबल यानी कि वो सह सकने वाले आवास खरीद सकें और निश्चित समय तक वहां रहकर अपने जीवन यापन को सुदृढ़ बना सके, इसके लिए जो इकोनॉमिकली रूप से कमजोर हैं उनको आवास उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। यानी कि तीसरा, दूसरा और पहला ABC तीनों सही है। यानी कि आप कहेंगे उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, ऑप्शन D इसका आंसर होगा, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। जो एक अन्य महत्वपूर्ण बात जो इससे जुड़ी हुई है और उसे आपको जानना है वो ये कि इस कार्यक्रम को दो तरह से लागू किया जाएगा। सबसे पहले ऐसे शहरी आवास जो सरकार के हैं लेकिन वर्तमान में उस आवास का उपयोग सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है, उन आवासों को थोड़ा मॉडिफाई करने के बाद उन मजदूरों या फिर शहरों में रहने वाले गरीब लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। पहला तो ये है। और दूसरा, कुछ ऐसे जमीन हैं जो अभी खाली पड़े हुए हैं, हालांकि वो सरकार के हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, तो उस क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत आवास का निर्माण किया जाएगा और उसे निजी लोगों को भी संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। उस क्षेत्र में जो खाली पड़े हुए हैं, जो किसी औद्योगिक संस्थान के आसपास हैं, तो वहां पर आवास का निर्माण करना, उसका संचालन करना, उसका रखरखाव करना किसी निजी व्यक्ति को भी दिया जा सकता है, ताकि सभी लोगों के लिए शहरों में एक एफोर्डेबल आवास की उपलब्धता हो सके। जो घर उपलब्ध कराया जाएगा वो कम से कम 25 वर्षों के लिए कराया जाएगा। जो घर होगा उसमें जो एक आवश्यक व्यक्ति के लिए जो आवश्यक
जरूरतें होती हैं, जैसे कि नहाने खाने या फिर उसके दूसरे उपयोग के लिए जो भी आवश्यकताएं होती हैं, उन सभी आवश्यकताओं को इस आवास में उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, ये पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये 2015 में जून महीने के 25 तारीख को शुरू किया गया था। 2015 से लेकर 2022 तक के बीच में इसे लागू किया जाना था, ताकि 2022 तक सभी लोगों के लिए शहरों में सुलभ आवास की उपलब्धता हो सके। इसी के अंतर्गत घोषित की गई थी कि 1.12 करोड़ घरों का निर्माण किया जाएगा। इस कार्यक्रम को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा मिलकर क्रियान्वित किया जाना था। जो घर उपलब्ध कराया जाता है शहरों में, वो 30 वर्ग मीटर का होता है, लेकिन यदि किसी परिवार की संख्या बड़ी है, यानी उसके घरों में ज्यादा लोग रहते हैं, तो इस 30 वर्ग किलोमीटर के अनुपात को बढ़ाया भी जा सकता है। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे महत्वपूर्ण आपको यही याद रखना है कि इसे लागू किसके द्वारा किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये शहरी आवास मंत्रालय के द्वारा लागू किया जा रहा है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। दूसरी अन्य महत्वपूर्ण बात, जो आवास उपलब्ध कराए जाएंगे, उस आवास को किसके नाम पर रजिस्टर कराया जाएगा, तो ये बहुत जरूरी है कि उस आवास को घर के किसी महिला के नाम पर, जो 18 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुकी है, उसके नाम पर रजिस्टर कराया जाएगा। यदि घर में कोई बहुत बुजुर्ग है और पुरुष है, तो उसके नाम पर कराया जाएगा, लेकिन उस घर का उप सह मालिक जो होगा वो घर की महिला ही होगी। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, शहरी पुरुषों को घर का मालिक नहीं बनाया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात। दूसरा, जो भी लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थी हैं, उन लोगों को घरों में शौचालय की सुविधा भी कराई जाएगी। सौभाग्य योजना के अंतर्गत बिजली कनेक्शन की भी व्यवस्था की जाएगी। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत LPG कनेक्शन भी दिया जाएगा। पीने के पानी का सुलभ व्यवस्था किया जाएगा, और साथ ही साथ बैंकों में खाता रखना आवश्यक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत बैंकिंग सुविधा भी उनको दी जाएगी। तो ये सारी सुविधाओं को एक साथ जोड़ने का कार्यक्रम शुरू किया गया है, और जो लोग भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं, उनको ये योजना उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको जोड़ने की कोशिश की जाएगी। तो ये सारी बातों को आपको याद रखना है फ्रेंड्स, कुछ भी पूछा जा सकता है। UPSC का जो सिलेबस है GS Paper 2, उसके अंतर्गत सरकारी नीतियों से ये सीधा सीधा मैच करता है। हमारे डिस्कशन का दूसरा प्रश्न क्या कहता है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। किसके बारे में? एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में, यानी कि कृषि अवसंरचना कोष के बारे में। पहला कथन क्या कहता है, यह एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है। आप याद कर लीजिए, अभी हाल फिलहाल में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी कि निधि की घोषणा की गई है, स्थापना की गई है। ये एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना होगी, यानी कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत जितना भी पैसा खर्च किया जाएगा, वो केवल और केवल केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया जाए खर्च किया जाएगा। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, मतलब 100% जो पैसा खर्च किया जाना है, वो केंद्र सरकार के द्वारा इसके अंतर्गत खर्च किया जाना है। इसे आपको सबसे पहले याद रखना है। दूसरा, योजना की अवधि 2020 से 2022 के फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2 वर्षों तक की होगी। ये गलत है, क्योंकि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का निर्माण जो अभी किया गया है, जिसे अभी मंत्रिमंडलीय समिति ने अनुमति दी है, वो 2020 से लेकर 2029 तक 10 वर्षों के लिए होगा। ध्यान रखेंगे, 2020 से लेकर 2029 तक 10 सालों के लिए इस योजना को लागू किया गया है, यानी कि दूसरा कथन गलत हो जाता है। तीसरा कथन क्या कहता है, यह फसल पूर्व और कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए छोटे और सीमांत किसानों को ऋण प्रदान किया जाएगा। ये भी गलत है, क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत जो पैसा दिया जाएगा, वो जो कृषि के उत्पाद होते हैं, कृषि करने के बाद जो
निकालते हैं किसान, जो काट कर घरों पर लेकर आते हैं, उन उत्पादों को कैसे संरक्षित किया जाए या फिर कैसे बाजार तक पहुंचाया जाए, इसके लिए अवसंरचना का विकास करना। क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हैं भारत में जितना कृषि उत्पादन किया जाता है उसका लगभग 35% जो है ना वो खराब हो जाता है, चाहे वो वर्षा के कारण हो या तो फंगी लगने के कारण हो या फिर दूसरे कुछ कारण से, या तो उसको बाजार में सही समय पर नहीं पहुंचाया जा सका इस वजह से हो। तो ये बहुत बहुत सारे चीजें हैं जिसकी वजह से जो कृषि उत्पाद होते हैं वो खराब हो जाते हैं, और मात्र 65% ही होता है जो सही रूप से या तो उपयोग कर लिया जाता है या फिर उसको संरक्षित कर लिया जाता है। तो ये 35% जो खराब हो जाता है उन उत्पादों को संरक्षित करने के लिए या फिर सही सही बाजारों तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा, केवल पहला सही है, दूसरा और तीसरा गलत है, सही पूछा गया है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि सरकार की जो नीतियां होती हैं उसी से संबंधित यूपीएससी प्रश्न पूछता है, और कृषि के क्षेत्र में सरकार के द्वारा बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स यदि हम बात करें इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों का, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेकर 2029 यानी कि 10 वर्षों की अवधि के लिए शुरू किया गया है। इसमें मुख्य रूप से फसल प्रबंधन पर ध्यान दिया जाएगा, और ये योजना जो है वो एक मध्यम और दीर्घकालिक ऋण योजना है, मतलब लोगों को थोड़े लॉन्ग टाइम के लिए ऋण दिया जाएगा या फिर शॉर्ट टाइम के लिए ऋण दिया जाएगा। तो इसे आपको ध्यान रखना है। जो कोष का निर्माण किया गया है वो 1,00,000 करोड़ है। कभी कभी स्टेट पीसीएस में पूछ लेता है कि जो कोष है वो कृषि अवसंरचना कोष है वो उसका आयाम क्या है, यानी कि उसको कितने में निर्मित किया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे 1,00,000 करोड़ रुपए में इस कोष का निर्माण किया गया है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। जो जिन लोगों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा वो कौन है, तो फ्रेंड्स इसके अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत किसान सीधे सीधे लोन ले सकता है, या तो किसानों का समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो अवसंरचना का निर्माण करना चाहता है, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज का निर्माण हो या फिर कोल्ड स्टोरेज वाहन का निर्माण करना हो या फिर दूसरा ऐसा कुछ इक्विपमेंट बनाना हो, तकनीक का निर्माण करना हो जिसके अंतर्गत, जिस इक्विपमेंट के द्वारा कृषि के उत्पादों को लंबे समय तक संरक्षित किया जा सके, कृषि के प्रसंस्करण से संबंधित कोई कार्य किया जाना हो, तो वे सभी लोग इसका इस लोन योजना का फायदा उठा सकते हैं। तो जो लोग ले सकते हैं लोन वो सीधे किसान हो सकता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो सकता है, कृषि उत्पादक किसान उत्पादक संगठन हो सकता है, विपणन सहकारी समिति भी इसके अंतर्गत लोन ले सकती है, और प्राथमिक कृषि साख समिति ये भी इस योजना के अंतर्गत पैसा ले सकते हैं। जो पुनर्भुगतान करने की सीमा रखी गई है वो शुरू के 6 महीने तक पैसा नहीं देना है, 6 महीने के बाद से लेकर 2 वर्ष के बीच तक उन लोगों को पैसे को पूरा पूरा भुगतान कर देना है। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। एक अन्य बात कि फ्रेंड्स इसको किसके द्वारा क्रियान्वित या फिर प्रबंधित किया जाएगा, तो आप याद रखेंगे ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से इस कार्यक्रम को प्रबंधित किया जाएगा। तो पहला बात ये, दूसरा वास्तविक समय पर जो भी गतिविधि की जा रही है उनके निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और यहां तक कि जिला स्तर पर भी निगरानी समिति का निर्माण किया जाएगा, जो ध्यान रखेगी कि पैसा जो लिया गया है लोन के रूप में उसका कैसा इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। जिन लोगों ने पैसे को लोन में लिया है और अवसंरचना का निर्माण करना चाह रहे हैं वो कर पा रहे हैं या फिर नहीं, उसकी निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर, तीनों ही जगह निगरानी समिति का निर्माण किया जाएगा। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। क्या फायदा होगा आप जान रहे हैं, सबसे पहले जो 35% के आसपास कृषि उत्पाद होते हैं वो खराब हो जाते हैं, तो उनको संरक्षित करने में एक महत्वपूर्ण दिशा में कार्य होगा। दूसरा, अगर उन उत्पादों को बचा लिया जाता है तो निश्चित रूप से किसानों की आय में वृद्धि होगी, भारत से जिन कृषि उत्पादों को निर्यात किया जाता है तो उस निर्यात में भी वृद्धि होगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी फ्रेंड्स, इससे
काफी लोगों को रोजगार भी तो मिलेगा, इसे भी आप ध्यान में रखें। तो फ्रेंड्स ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, तो इन सारी बातों को आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारे डिस्कशन का तीसरा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित जोड़े पर विचार करें। यहां पर एक तरफ ऑपरेशन का नाम दिया गया है और उसके ठीक समकक्ष उस ऑपरेशन को क्यों चलाया गया था उसके बारे में लिखा गया है। आपको बताना है कि कौन से सही रूप से मेल खाते हैं। नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही जोड़ी का दिए गए ऑप्शन में से पहचान करना है। पहला क्या कहता है, ऑपरेशन सद्भावना LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ चीन की डी एक्सलेशन प्रक्रिया। ये गलत है क्योंकि ऑपरेशन सद्भावना जो है वो कुछ समय पहले भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों को कम करने और लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इसको कार्यक्रम को शुरू किया गया था। तो आप याद रखेंगे ऑपरेशन सद्भावना जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था वहां के नागरिकों को मूल धारा में लाने के लिए। ठीक, तो पहला गलत है। दूसरा क्या कहता है, ऑपरेशन समुद्र सेतु, इसको आपने बहुत बार पढ़ा होगा। ये कहता है COVID-19 महामारी के दौरान भारतीय नागरिकों को विदेशों से वापस लाने के लिए राष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा है। ये बिल्कुल सही है, जो लोग COVID-19 के लॉकडाउन के दौरान अलग अलग देश के हिस्सों में फंस गए थे उन लोगों को भारत लाने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। बहुत सारे लोगों को लाया गया और फिलहाल इस योजना को अब स्थगित कर दिया गया है, तो दूसरा सही है। तीसरा कहता है ऑपरेशन सुकून, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में काउंटर आतंकवादी रणनीति। ये गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि ऑपरेशन सुकून जो है वो 2006 में लेबनान में जब युद्ध शुरू हुआ था उस समय भारतीय नागरिकों को, श्रीलंका के नागरिकों को और नेपाली नागरिकों को वापस लाने के लिए सरकार के द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम था, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो यहां आपको क्या पूछा गया था, सही और सही मेल क्या है, दूसरा यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, आप इसे ध्यान में रखेंगे। इसी से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो इस बार के जो बुक आती है इंडिया ईयर बुक उसके अंतर्गत थी, ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन राहत जो है फ्रेंड्स ये यमन में 2015 में जब यमन की सरकार और यमन के विद्रोही और जो सऊदी अरब और उससे उसके जो लाइक माइंडेड कंट्री है उसके द्वारा जब यमन में हमला किया जाता है उस समय भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए अदन बंदरगाह से वापस लाने के लिए जो कार्यक्रम संचालित किया गया था भारत सरकार के द्वारा वो ऑपरेशन राहत था, तो उसे भी आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है क्योंकि इंडिया ईयर बुक के अंतर्गत था। हमारे डिस्कशन का चौथा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करती है। क्यों न्यूज में था आप जान रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये आप इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करें। यहां आपको दिया गया ऑप्शन में सिक्किम, आप निश्चित रूप से जान रहे हैं कि ये सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल भी सीमा साझा करता है, इसे भी आप याद रखेंगे। बिहार ये भी करता है, उत्तराखंड ये भी करता है, हिमाचल प्रदेश नहीं करता है, यानी कि 1, 2, 3, 4 ऑप्शन भी इसका सही आंसर होगा। मैप के माध्यम से देखें, ये क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है क्योंकि न्यूज में काफी बना हुआ है, यहां तक कि सीमा विवाद भी पहली बार सुलझकर मतलब भारत और नेपाल के बीच में एक विवाद का कारण भी बना था। तो नेपाल के साथ कुल 1,850 किलोमीटर से अधिक सीमा लगती है, अधिक कहने का मतलब है कि कुछ मामलों में अभी विवाद है, तो भारत उसे अपना सीमा बताती है और नेपाल उसे अपना सीमा बताता है, इसलिए यहां पर अधिक की बात की गई है। तो आप ध्यान रखें, सबसे पहले सिक्किम, उसके बाद में फिर पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये पांच भारतीय राज्य हैं जो सिक्किम के नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। जब हम बात कर रहे हैं नेपाल के साथ, तो फ्रेंड्स नेपाल के साथ जो हमारा अभी विवाद हुआ था वो एक लिपुलेख दर्रा था, इसे आपको याद रखना है। काला पानी यहां से होकर नदी गुजरती है तो इसके वजह से एक कारण बना विवाद का। और लिम्पिया धुरा ये एक वो क्षेत्र था जो डिस्प्यूटेड था, यानी कि विवाद का एक कारण था, तो ये भी आप याद रखेंगे। ये तीन नामों को आपको याद रखना है, लिपुलेख, काला पानी और लिम्पिया धुरा। ठीक है, हमारे डिस्कशन का अंतिम प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों का हिस्सा है।
यहाँ पर आपको चार नामों नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि यूनाइटेड नेशन के इंपोर्टेंट ऑर्गन जो कि छह हैं, उनमें से ये चार में से कौन सा है। आपके ऑप्शन में क्या कहा गया है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये बिल्कुल सही है, ये यूनाइटेड नेशन का एक भाग है इसलिए पहला सही है। दूसरा कहता है इंटरनेशनल क्रिमिनल मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, ये नहीं है तो इसलिए इसे आप हटा देंगे। आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, बिल्कुल ये है, और न्यास परिषद ट्रस्टशिप काउंसिल ये भी है, हालांकि 1994 के बाद से इसने अपना कार्य करना बंद कर दिया है, फिर भी जो छह उसके महत्वपूर्ण अंग हैं उनमें से एक तो है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1, 3 और 4 यानी कि ऑप्शन सी, तो आप इसे ध्यान में रखें। जो छह ऑर्गन है ये पूछा जा सकता है क्योंकि आप इसे हमारे सिलेबस के जीएस पेपर 2 के महत्वपूर्ण संगठन से जोड़कर देख सकते हैं। जो महत्वपूर्ण संगठन है उसमें महासभा, ये मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र के कार्यों के विचार विमर्श, नीति निर्माण इत्यादि के क्षेत्र में कार्य करता है। सुरक्षा परिषद जो है वो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की देखरेख करता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है वो पूरे विश्व में समन्वय, नीति समीक्षा, नीतिगत संवाद, आर्थिक सामाजिक पर्यावरणीय मुद्दों की देखरेख इत्यादि का कार्य करता है। ट्रस्टशिप काउंसिल 1994 में स्थगित कर दिया गया है, इसे आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, बस ये जानेंगे ट्रस्टशिप काउंसिल जो है वो यूनाइटेड नेशन की एक महत्वपूर्ण अंग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये न्याय से संबंधित सभी मामलों की देखरेख करती है। सचिवालय, ये पूरे जो संगठन है उन संगठनों के हर दिन के कार्य को देखने का कार्य सचिवालय के माध्यम से किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप इन सारी बातों को याद रखेंगे। ये हमारा आज का डिस्कशन था, हम अपने आज के डिस्कशन को यहीं रोकते हैं। आपको कैसा लगा आप निश्चित बताइए, और आप कमेंट करके यदि हम कोई गलती कर रहे हैं तो उन गलतियों को बताइए ताकि सुधार करके आपके लिए बेहतर कंटेंट हम आप लेकर आएं और आपके सिलेक्शन में हम कुछ सहभागी बन सकें, तो आप हमारी भी मदद कीजिए। थैंक यू वेरी मच।